हरे कृष्णा। तो एस्ट्रोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो एक छोटे से प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम ज्ञान निरंजन ज्ञानांजन शांतया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं भुवि। हरे कृष्णा। तो आज का क्लास हम लोग देखेंगे कुंडली, बर्थ चार्ट जिसको बोलते हैं या फिर हॉरोस्कोप इंग्लिश में बोलते हैं, उसका हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको किस तरह एनालाइज करने के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे उसको जज करना चाहिए, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हम आपको सॉफ्टवेयर में भी दिखाएंगे कहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया होता है, कैसे सॉफ्टवेयर का यूज करना है। आशा करते हैं आप सभी लोग इंस्टॉल किए होंगे सॉफ्टवेयर, कुछ दिक्कत आई होगी तो आप सॉर्ट आउट करिए। मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजा उसको फॉलो करिए, उसके अनुसार आपका सेटिंग रखिए तो तभी करेक्ट डेटा आपको आ पाएगा, क्योंकि सेटिंग से बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो दो तीन चीज़ होता है। ओके, कल हमने ये चार्ट बताया था। कलर ये नहीं दिख रहा, येलो कलर है ना, या ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। मैं दिखाई दे रहा कलर। तो आप जो जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। इसको ब्लैक कर सकते हैं, इसको ब्लैक नहीं कर सकते, इसी कलर में दिखता है। बच्चे लोग आप लोग टाइम पे आए करो, टाइम पे नहीं आते फिर क्लास में नहीं आए करो, ठीक है ना, बीच में डिस्टर्ब होता है साथ में। तो ऐसे दिखेगा, जिसका बड़ा लैपटॉप है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये दो दिख रहा है तो आपको चार दिखेंगे। और ये जो स्टाइल है इसको नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट बोलते हैं, साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट भी होता है, आप अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आप जाएंगे प्रेफरेंसेस, ये जो प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए रिलेटेड टू डिस्प्ले आ रहा है। वहाँ पे देखिए जो पहला है रिलेटेड टू डिस्प्ले में चार्ट स्टाइल एंड लैंग्वेज, उस पर क्लिक कर सकते हैं आप। तो उसमें देखिए पहला इंग्लिश है, अगर आप चाहते हैं कि चार्ट में इंग्लिश में जैसे ऐसा दिखाओ ना, एम से मार्स, वेनस, सन, मरकरी, मून, राहु, या फिर इसको आप हिंदी में भी कर सकते हैं, मून की जगह लिखा रहेगा चंद्रमा या सोम लिखा रहेगा, सन की जगह सूर्य, राहु की जगह राहु, ऐसे लिखा रहेगा हिंदी में, तो आपको जो कम्फर्टेबल है कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में देखता हूँ इसलिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरे में जो है आगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ इंडियन डायमंड चार्ट है, जैसे साउथ इंडियन रेगुलर, ईस्ट इंडियन, ऐसे बहुत सारे चार्ट है। जैसे मान लीजिए हम इसको साउथ इंडियन कर देंगे, देखिए चार्ट स्टाइल बदल जाएगा। देखिए चार्ट स्टाइल ऐसा हो गया साउथ इंडियन, ये कल बताया था, फिर इसको नॉर्थ इंडियन भी कर सकते हैं।
आपको जो सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। जनरली मैं नॉर्थ इंडियन फॉलो करता हूँ, इसीलिए वही वापस लगा देता हूँ। हाँ, साउथ में कुछ कुछ लोग ये वाला चार्ट फॉलो करते हैं। ओके, और कुछ कुछ सेटिंग्स बताया था मैंने आपको, इसमें प्रेफरेंसेस में जाएंगे रिलेटेड टू कैलकुलेशन। तो इसमें जैसे आप आई एन आंसर का सेटिंग कर सकते हैं, इसका मैंने डॉक्यूमेंट भेजा है, दो तीन सेटिंग्स हैं, आप देख के कुछ कर सकते हैं, तभी आपका डेटा करेक्ट आएगा, नहीं तो करेक्ट नहीं आएगा। इसमें देखिए, यहाँ पे आप जो ऐसे खोलेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेसिक्स लिखा हुआ है ऊपर में। ये जो है यहाँ पे बेसिक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये जो चार्ट है आपका मेन चार्ट, इसको बोलते हैं राशि चार्ट। क्या होते हैं राशि चार्ट, ऐसे बहुत सारे चार्ट होते हैं। इसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, D9 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नवांसा चार्ट। नवांसा चार्ट बोलते हैं। ऐसे करके D2 होते हैं, D3 होते हैं, D5 होते हैं, D7, D9। तो हर चार्ट अलग अलग चीजें बताते हैं आपके जीवन के बारे में। और मेन जो होता है राशि चार्ट होता है, आपको ओवरव्यू देता है, ऑल जो होता है ना, ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव होता है लाइफ का वो बताते हैं। और अलग अलग चार्ट जो है वो अलग अलग एरिया के बारे में स्पेसिफिकली बताते हैं। जैसे आपको मान लीजिए D6 चार्ट है, तो वो आपको बीमारी के बारे में, आपके जो शरीर है उसके बीमारी के बारे में बताएंगे। उसी तरह D12 चार्ट है, वो आपके पेरेंट्स के बारे में, इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। नहीं, D7 चार्ट पेरेंट्स के, मैंने D12 से बच्चे के बारे में, ऐसे कुछ एग्जैक्ट मैं आपको भेजूंगा इसका डिटेल, आपको व्हाट्सएप पे पूरे सेट को भेज देंगे। D10 चार्ट होता है, वो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें के बारे में बताते हैं। इसी तरह नवांसा चार्ट होता है, आपको नवांसा चार्ट ऐसे जैसे कि राशि चार्ट का फल हो, जैसे जो चीज़ राशि चार्ट में है वो कब आपको उसका फल मिलेगा, वो आप नवांसा चार्ट से देख सकते हैं। आपके मैरिड लाइफ का या फिर प्रोफेशन लाइफ का सब कुछ इसमें देख सकते हैं। तो ये हर चार्ट बनाने, हर चार्ट का बेसिस यही होता है, D1 चार्ट होता है, जिसको राशि चार्ट भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ राशि चार्ट बोलते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, मान लीजिए एक 10 मंजिला बिल्डिंग है, तो एक उसका आपने टॉप व्यू देखा ओवरऑल, कि वो ऐसा बिल्डिंग का नक्शा है ये देखा। और ये डिविजनल चार्ट इसको बोलते हैं, यवर्क चक्राज बोलते हैं, अलग अलग जो होते हैं D9, D7, D10 ऐसे करके, वो आपका हर फ्लोर का लेआउट दिखा रहा है, ऐसे समझिए ये पूरे बिल्डिंग का दिखा रहा है। और तो आपको ओवरऑल चीज मालूम चलता है। और जो डिविजनल चार्ट से अलग अलग, वो आपको हर फ्लोर में, हाँ यहाँ पे किचन है, यहाँ पे कुर्सी है, यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे डाइनिंग रूम है, तो वो आपको ज़्यादा डिटेल्स में बताते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ये 12 हो गया। हाँ, ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं, D60, D120 तक जाते हैं ऐसे। हाँ, ये सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है, अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो वो लोग सिर्फ राशि चार्ट ही यूज करते हैं, या हमारे ऋषि मुनि का दिया हुआ है अलग अलग एनालिसिस। हाँ, डिटेल में नहीं, डिटेल के लिए हमको अलग अलग चार्ट देखना पड़ता है। और यहाँ पे देखिएगा आप, ये बेसिक इन्फो, यहाँ पे देख रहे की इन्फो दिया हुआ है, ऐसे तरह हाउसेस होते थे, ये की इन्फो आपको दिया, आपको देखिए लगना लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लगना का लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है 21 डिग्री। VI मतलब हो गया वर्गो, वर्गो मतलब कन्या राशि, 21 डिग्री 4 मिनट 56.46 सेकेंड, ये एग्जैक्ट डिग्री है लग्न का। लग्न मतलब ये होता है फर्स्ट जो घर होता है ना, वो लगना बोलते हैं, लग्न बोलते हैं। यहाँ पे जो आपके जन्म के समय जो राशि उदित हो रही है, और कितना उदित हो गई है, वो 21 डिग्री तक उदित हो गई है, 0 से 30 डिग्री तक एक राशि होती है, 21 डिग्री इसको हम लोग यहाँ पे आप हाउसेस के नीचे एक कस्प पॉइंट बोल के बोलते हैं। ये जो फर्स्ट हाउस है ये वाला, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है फर्स्ट हाउस, 6 डिग्री वर्गो से लेके 6 डिग्री लिब्रा तक है। लिब्रा मतलब तुला राशि, छठी राशि वर्गो होती है और सातवीं राशि तुला होती है। तो ये 6 डिग्री वर्गो से लेके 6 डिग्री लिब्रा तक इसका रेंज है 12 घंटा।
और इसका बीचों बीच कहाँ पर रहा है, 21 डिग्री वर्गों में पड़ रहा है लगभग। तो इसको इस जो बीच का जो वैल्यू होता है उसको कस्प बोलते हैं, कस्प वैल्यू बोलते हैं। हर हाउस का कस्प वैल्यू होता है, यानी कि ये जो आप यहाँ पे तीन को में देखेंगे वो जो लिखा रहता है ना वैल्यू, वो कस्प वैल्यू लिखा रहता है। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, 21 डिग्री लिखा हुआ है, ये कस्प वैल्यू, यानी कि इस घर के जो बीचों बीच जो पड़ रहा है वो क्या है, 21 डिग्री वर्गों पे पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लग्न का, क्योंकि लग्न का जो कस्प वैल्यू होता है ना, यानी कि वो आपका जब बीचों बीच घर के बीचों बीच वो डिग्री पड़ रही है तो उसके अनुसार आपके इफेक्ट बहुत डिपेंड करेंगे। उस कस्प वैल्यू से जो भी ग्रह नजदीक में रहेंगे वो ज्यादा इफेक्ट डालेंगे, जो जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा इफेक्ट डालेगा। ऐसे भी देखिए हर प्लैनेट का लिखा है, सन मून मार्स मरकरी जुपिटर वेनस सैटर्न राहु केतु मंडी उल्का, ऐसे हर प्लैनेट का आपको ये लिखा हुआ कितने डिग्री पे वो प्लैनेट बैठा हुआ है। अब इसके बगल में देखेंगे ये जो लिखा हुआ नक्षत्र लिखा हुआ है, अब मान लीजिए जेमिनी में है, मून जेमिनी में है, कौन से नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र में है, तो ARDR लिखा हुआ आद्रा। HAT मतलब हस्त नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में, आश्लेषा नक्षत्र में, धनिष्ठा, पूर्व फाल्गुनी, श्रवण, रोहिणी, तो ऐसे करके सारे नक्षत्र का नाम लिखा। फिर यार मैंने नक्षत्र में पदा पढ़ाया था, नक्षत्र के भी एक नक्षत्र के चार पद होते हैं, तो उस नक्षत्र में किस पद में है, तो ये हस्त नक्षत्र के चौथे पद में है, आश्लेषा नक्षत्र के पहले पद में है, ऐसे करके पद का नाम लिखा रहता है। और ये तो राशि का नाम, यहाँ से भी राशि का नाम आपको पता चल जाता है, लेकिन ये अलग से राशि का नाम लिखा है। VI मतलब हो गया वर्गो, CN मतलब हो गया कैंसर, जी मतलब हो गया जेमिनी, ऐसे करके। और ये नवांसा में कौन से राशि में है, जैसे मान लीजिए सन जो है 18 डिग्री कैंसर में है, ये है राशि चार्ट में, इस चार्ट में ये पहला राशि चार्ट में, लेकिन ये नवांसा में किस में है, सैगिटेरियस में है। अभी देखिए जो मून जो है नवांसा में, देखिए सैगिटेरियस में बोला, सैगिटेरियस यहाँ पे है नौवा राशि, इसमें देखिए मून यहाँ पे, तो नवांसा में जो लग्न है वो कैंसर है, राशि में जो लग्न है वो वर्गो है, तो ऐसे चेंज हो जाता है, हर चार्ट में वो पोजिशन चेंज होता है। ये आपको धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो समझ में आने लगे ऐसा क्यों होता है, या फिर आप बुक देख के रेफर करिए उससे भी आप पढ़ सकते हैं थोड़ा मोड़ा। ये जो है वो बर्थ के टाइम का दिखा रहा है, या बर्थ के टाइम का। ओके ओके, और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, ओके कुछ प्लैनेट्स का अब प्लैनेट्स जो होते हैं जो एक लिविंग एंटिटी की तरह होते हैं, मतलब एक मनुष्य की तरह होते हैं, वो भी एक जीव है जो कि हम लोग को कंट्रोल में रखना है, तो उन लोग का भी अपना नजरिया होता है देखने का, अपना एक पर्सन की बात ही वो ये करते हैं। तो मैंने जैसे बताया था हर प्लैनेट का अपना घर होता है ना, उसको बोलते हैं ऑन हाउस। यानी कि जो उसका घर है, अपने घर पे आदमी सबसे सबसे कंफर्टेबल होता है, जैसे मतलब कि जब मन किया तब हम खाना खा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, उठ सकते हैं, सो सकते हैं, सबसे कंफर्टेबल आदमी। लेकिन जब दूसरे के घर पे जाता है तो थोड़ा उसको दूसरे का रूल भी फॉलो करना पड़ता है ना, वो अपने मन से कुछ जो मन किया वो नहीं पका सकता, जो खाना बना के। तो एक ऑन हाउस होता है उसका अपना घर बोलते हैं प्लैनेट, हर प्लैनेट का अपना घर होता है। एक होता है डेबिलिटेशन पॉइंट, एक होता है एग्जाल्टेशन पॉइंट, एक होता है मूल त्रिकोण, ये सब
सबको अवस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लैनेट का अवस्था पता चलता है इसे। अगर अपने घर में है तो क्या रहेगा, वो बहुत अच्छा उसको फील होगा, अच्छा लगेगा। इसी तरह डेबिलिटेशन पॉइंट होता है, किसी किसी घर में जाके, किसी किसी राशि में जाके उसको बहुत खराब लगता है, वहाँ पर उसको एकदम मन नहीं लगता है। मतलब कि कोई आदमी एकदम साफ सुथरा रहने वाला आदमी, अगर किसी ऐसे घर में जाने जो है लोग एकदम गंदा रहते हैं, सिर कपड़ा फेंक के रहते हैं, घर में पोछा नहीं लगाते, घर में महकता हो, तो उसको कैसा तो वहाँ लगेगा, वहाँ अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो कुछ कुछ राशियाँ ऐसी होती है जहाँ पे उस प्लैनेट को एकदम धीमा हो जाता है, वो एकदम उसको मन ही नहीं लगता, तो उसको बोलते हैं उसका डेबिलिटेशन पॉइंट। और एग्जाल्टेशन पॉइंट और मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण ऐसा साइन होता है, ये समझ लीजिए कि जैसे ऑन हाउस होता है, मूल त्रिकोण उसका ऑफिस ऑफिस की तरह होता है। मूल त्रिकोण ऐसा जगह है जहाँ पे वो परफॉर्म करता है, वो अपना जो ऑफिस में जाके हम लोग क्या करते हैं, जो हमको काम मिला रहता है उस काम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो कुछ वर्क दिया रहता है उसको, वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तो मूल त्रिकोण साइन ग्रह का ऐसा होता है। और होता है एग्जाल्टेशन पॉइंट। एग्जाल्टेशन पॉइंट ऐसा है जैसे ऐसा जगह जहाँ पे वो एकदम मजे में रहता है, जैसे कि यात्रा पे गए, पिकनिक पे गए, तो वहाँ पे एकदम सबसे खुश रहता है कि नहीं ना, खुद घूमता है, खाता है, मस्ती करता है, फोटो खींचता है, सेल्फी लेता है। तो कुछ कुछ जो राशि होते हैं वहाँ पे ग्रह लोग एग्जाल्टेशन पॉइंट होता है। हर ग्रह का अपना घर होता है, उसका नेचर के अनुसार उसका डेबिलिटेशन, एग्जाल्टेशन एंड मूल त्रिकोण हाउस तीनों अलग अलग होता है। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे चंद्रमा है, चंद्रमा का अपना घर कौन सा होता है, कर्क राशि होता है, ठीक है। चंद्रमा यहाँ पे तीसरे में है, लेकिन अपना घर क्या होता है इसका, कर्क राशि होता है। सैटर्न, सैटर्न का अपना घर होता है, दो घर होता है सैटर्न का, दसवां और ग्यारहवां, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। तो ये अभी अपने घर में, तो ये यहाँ पे सैटर्न है अपने घर में, मतलब कि वो अभी अच्छी अवस्था में, समझे। तो वहां पे क्या देगा, वो अपने हिसाब से अच्छा फल देगा। लेकिन वही सैटर्न किसी ऐसी जगह में चला जाए जहाँ पे उसको अच्छा नहीं लगता हो, जैसे मान लीजिए सैटर्न यहाँ पे है दूसरे राशि में, दूसरा राशि में टॉरस, तो हो सकता है टॉरस राशि में उसको अपना जैसे नहीं लगता, तो उसके अनुसार वो वहां पे फल देगा, समझ रहे। तो हर ग्रह का अपना अपना एग्जाल्टेशन पॉइंट, डेबिलिटेशन पॉइंट, ये सब होता है। वो आपको लगभग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद रहेगा, लेकिन पहला बार आपको लिख के रखना पड़ेगा। आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, और मैं कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी भेज दिया जाएगा इसके बारे में। ये होता है दूसरा जो होता है वो ग्रह की दृष्टि होती है। दृष्टि, इसको इंग्लिश में एस्पेक्ट बोलते हैं। अब जैसे हम लोग रहते हैं तो हम लोग का देखने का कुछ विजन होता है ऐसे, तो सामने जो भी बैठा है हम लोग पीछे नहीं देख सकते हैं, साइड में थोड़ा कम देख सकते हैं, ऐसे मुंडी घुमाना पड़ता है तब देख सकते हैं। तो ग्रह की दृष्टियां भी होती है, लेकिन हर ग्रह की थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरह से दृष्टियां होती है। हर ग्रह अपने से सातवां घर देखता है, जहां पे बैठा है उसके सामने का घर पे पूरा एस्पेक्ट उसको रहता है, 100% पूरा पूरी उसको देखता है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं तो सामने वाले को आराम से देख पाते हैं ना। तो हर ग्रह अपने से सातवां घर, सातवां घर पूरा पूरी देखता है। कुछ कुछ ग्रह होते हैं जिनका स्पेशल एस्पेक्ट होता है, जैसे गुरु जो है जुपिटर, जुपिटर अपने से पांचवा घर, सातवां घर और नौवां घर, ये तीनों देखता है। जैसे हम लोग है ना, अपना तो सेवा करते साथ साथ दूसरे पे भी नजर रखते हैं, हाँ वो कैसा कर रहा है ना, वो डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है ना, ये लोग भी ऐसे नजर रखते हैं। तो जुपिटर जो है अपने से पांचवा घर भी देखता है, सातवां घर भी देखता है और नौवां घर भी देखता है। उसी तरह होता है सैटर्न, सैटर्न जो होता है अपने से तीसरा घर देखता है, सातवां घर देखता है और दसवां घर भी देखता है, ये तीनों घर पे वो नजर रखता है। जहां पे बैठा हो अपने से उसके जगह से तीसरा घर जो होगा, सातवां घर जो होगा और दसवां घर, तीनों पे नजर रखेगा एक साथ।
इक्वल। उसी तरह होता है मार्स मंगल, मंगल जो होता है अपने से चौथे घर में, सातवें घर में और आठवें घर में, ये तीनों पे नजर रखता है मंगल। और बाकी सब जो बच गए वो सब सिर्फ अपने से सातवें घर पे नजर रखते हैं। राहु केतु भी, राहु केतु भी इसी कैटेगरी में आता है, जुपिटर पांच सात और नौ, पांच सात और नौ, राहु केतु भी अपने से पांच सात और नौ को एस्पेक्ट करता है। अब इसका क्या रिलेवेंस है ज्योतिष? मान लीजिए कोई घर, अब देखेंगे टोटल बारह घर होते हैं और ग्रह नौ ही होते हैं, तब बोलेंगे जिस जिस घर पे ग्रह है उसी पे इफेक्ट है क्या? नहीं, वो वहां से बैठे बैठे तीनों जगह कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है एक घर में दो तीन ग्रह एक साथ बैठे हो और एक एक घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो, लेकिन उस पर दूसरे जगह से वो एस्पेक्ट डाले हैं कि उसका वो देखभाल कर रहे हैं, उस घर का भी जो भी मैटर है वो उनके नियंत्रण में चल रहा है। तो ये इफेक्ट होता है इन लोग का एस्पेक्ट का। अब इधर दिखाता हूँ मैं इसको, आप कैसे देख सकते हैं इसमें सॉफ्टवेयर में। जैसे ये हुआ आपका राशि चार्ट हुआ, इसमें आप राइट क्लिक करेंगे ना, अभी नीचे आएंगे तो देखेंगे, यहाँ देखिए नीचे लिखो एस्पेक्ट टेबल विथ रिलेशनशिप, ये वाला पॉइंट एस्पेक्ट टेबल विथ रिलेशनशिप, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे चार्ट खुलकर आएगा आपको। तो अभी देखिए यहाँ पे ग्रह का नाम लिखा हुआ है, सन मून मार्स मरकरी जुपिटर वेनस सैटर्न राहु केतु, और यहाँ पे देखिए हाउसेस के नाम लिखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व है। तो अभी देखिए मून का, मून जो चंद्रमा कौन से इसमें है, दसवें घर में है, तो दसवें घर से सीधे कहाँ देखेगा, चौथे घर में, इससे सातवां कौन सा हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पे पूरा नजर रखेगा। अभी देखते हैं मून का जो एस्पेक्ट है चौथे घर पे कितना पड़ रहा है, ये मून है यहाँ पे आएंगे सीधे, देखिए चौथे घर पे 90% ये इसका एस्पेक्ट पड़ रहा है, 90% 100% क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्ट इसके बीचों बीच नहीं होगा, थोड़ा ऊपर हो गया नीचे हो गया, एग्जैक्ट बीचों बीच रहता इसके पे एग्जैक्ट 100 डिग्री एस्पेक्ट रहता, यानी कि मून बैठा हुआ है यहाँ लेकिन इसका मैटर पे भी वो अपना इफेक्ट डाल रहा है, जो भी चौथे घर का जो मैटर है उस पर भी इफेक्ट डालेगा। अब देखिए मून का, जैसे मून का देखिए चौथे घर में 90% है, तीसरे घर में देखिए 39, दूसरे घर में 31% है, यानी कि ये जो एस्पेक्ट होता है ये लीनियर होता है, मतलब कि यहाँ पे 100% है तो हो सकता है यहाँ पे 50% एस्पेक्ट हो, समझे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो लेकिन जनरली हम लोग 100% वाला लेके ही काउंट करते हैं, 100% वाला जो एस्पेक्ट होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एस्पेक्ट वो सब हाउसेस पे भी वो डालते हैं जिस जिस एस्पेक्ट होता है। इसी तरह जैसे जुपिटर ले लीजिए, जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है, जुपिटर कौन कौन से घर में डालता है, पांचवें सातवें और नौवें घर में, यहाँ से पांचवा घर देखिए, एक दो तीन चार पांच, तो पांचवा आपका ये आ जाएगा, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये पांचवा घर हो गया, पांच छह सात ये सातवा घर हो गया, और आठ नौ, जुपिटर बैठा है यहाँ से, यहाँ से इस घर को भी देख रहा है, इस घर को भी देख रहा है, और ये तीनों घर पे देख रहा है नजर। अब देखते हैं जुपिटर का एस्पेक्ट कहाँ काम कर रहा है, जुपिटर है यहाँ से दसवां घर में, बारहवां घर में और दूसरा घर में, तो जुपिटर यहाँ पे है देखिए, दूसरा घर में 60% है और दसवें घर में देखिए, दसवें घर में 46% और दसवें में 46, बारहवें में 87 और दूसरे में 60%। कम क्या होगा, क्योंकि वो एकदम मार्जिन पे होगा, इधर होगा, हो सकता है इसलिए इस पर कम पड़ रहा हो, लेकिन उसके बगल वाले में देखिए कितना पड़ रहा है, ये देखिए फर्स्ट में 88 पर जा रहा है, सेकंड में 60 पर रहा है, कि इसका मतलब ये जो है वो थोड़ा इस साइड में है, इसलिए फर्स्ट में ज्यादा पड़ रहा है, सेकेंड में कम पड़ रहा है, क्योंकि ये लीनियर होता है, अगर एकदम बीचों बीच रहता तो एकदम इसको 100% देता, समझे, तो ऐसा मान के चलते हैं। तो ये एस्पेक्ट होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जब आगे हॉरोस्कोप एनालिसिस करेंगे तो ये एस्पेक्ट को नजर रखना पड़ता है।
अच्छा यहाँ पे एक चीज और दिखा रहा है, ये देखिए उच्च एग्जाल्टेड, नीच डेबिलिएटेड, स्वगृह ऑन हाउस, मूल त्रिकोण। अभी जो मैं बताया चार अवस्था, तो जो जो ऐसा कलर बना हुआ है वो मतलब अपने घर में। यहाँ पे देखिए सैटर्न के आगे ये साइन बना हुआ है, ये कौन सा है? स्वगृह ऑन हाउस। सैटर्न का अर्थ है दक्षिणा, कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न क्या उसका अपना घर है। और देखिए ऊंचा नीचा, जहाँ पे ऊंच होगा वो ऐसा तीर बना होगा, नीच होगा तो ऐसे। इसमें कोई उच्च पे भी नहीं है, कुछ नीच पे भी नीचे वैसा निशान नहीं बना। इसका मतलब होता है अस्त, ये जो लाल है अस्त मतलब कम्बस्ट हो गया। कोई जो ग्रह है सूर्य से बहुत नजदीक होता है तो वो जल जाता है, कम्बस्ट हो जाता है, यानी कि सूर्य की गर्मी वो सहन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे देखिए सन से जो बगल में एकदम मरकरी बैठा है इसलिए वो अस्त हो गया है। अस्त हो गया मतलब उसका पावर बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत ही कमजोर हो जाता है, तो समझ सकते हैं। अच्छा ये हुआ। इसके बाद एक ग्रहों के बीच में भी, जैसे हम लोग के अपने बीच में होता है ना, कोई आदमी हमको बहुत ज्यादा पसंद आता है, कोई आदमी उतना पसंद नहीं आता है, तो उसका जाके कंप्लेन करते हैं। कोई आदमी पसंद आता है तो कुछ मिलता है तो उसको भी देते हैं। तो ग्रहों के बीच में भी आपसी मेल मिलाप होता है, उनका भी क्या होता है, फ्रेंडशिप होता है ना? तो किसी से अच्छा फ्रेंडशिप होता है, किसी से शत्रुता भी होता है। तो अगर मान लीजिए ये मान लीजिए शनि जो है, या कोई दो ग्रह के बीच में शत्रुता है, ठीक है, और जो शत्रु ग्रह है वो अपने शत्रु के घर में बैठा है, तो उसका घर क्या करेगा, वो खराब करेगा, समझ रहे? वो तो सोचेगा ये तो मेरा शत्रु का घर है, इसका सब तोड़फाड़ कर देते हैं, समझ रहे? और वही मित्र के घर में बैठा हुआ तो क्या करेगा, उसको अच्छा से संभाल के रखेगा, ये मेरे मित्र का घर है, इसको थोड़ा अच्छा रखेगा, इसमें कुछ खराबी नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह देखिए हर चार्ट में अधिमित्र गृह, मित्र गृह, शत्रु गृह, अधिशत्रु गृह, समग्री, और कोई कोई न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को समग्री बोलते हैं, मतलब कि ना ही मित्रता है ना ही दुश्मनी है, ऐसे करके। तो ये सब चीज़ होती है, ये सब का डॉक्यूमेंट आपको भेज देंगे, आप देख लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ रखने वाला चीज़ें है, उसमें कुछ समझने का है। ओके इसके बाद ये देखिए यहाँ पे बेसिक्स था, बेसिक्स में हमने वो की इनको देखा है। यहाँ पे उसके बगल में देखिए स्ट्रेंथ होता है, ये भी बहुत जरूरी का चीज होता है देखना, हर जो ग्रह है हर ग्रह का कितना स्ट्रेंथ है इस चार्ट में, हर ग्रह का जिसे थर्ड भाव बोलते हैं। तो जो जो ग्रह जितना स्ट्रांग रहेगा वो उतना ज्यादा उसका शक्ति है, वो उतना ज्यादा आपको रिजल्ट देगा। जो वीक रहेगा वो उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा। जैसे देखिए उसमें सैटर्न जो है वो 346 पॉइंट है उसका, और सन का है 512, यानी कि इस चार्ट में जो सन है वो बहुत ही पावरफुल है और सैटर्न जो है बहुत ही वीक है। तो सैटर्न जो कारक है जो जो चीज़ का, उस चीज़ को बहुत कम खराब इफेक्ट होगा, क्योंकि सैटर्न उसको पावर नहीं दे पा रहा है। सन जो है वो बहुत पावरफुल है, तो सन जो जो चीज़ का कारक है उस चीज़ को बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। तो ऐसे आप सिर्फ देख सकते हैं, ये सब चीज़ें एक्चुअली पहले बहुत कैलकुलेट करके निकालते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको ऑटोमेटिक सब कैलकुलेट करके आ जाता है। आपको सिर्फ एनालिसिस करना है, आपका मेन फोकस कैसे इस हॉरोस्कोप को एनालिसिस करना, इसको होना चाहिए। इसी तरह ये ग्रहों का बल होता है, उसी तरह हर हाउसेस का भी, घर का भी अपना बल होता है। जैसे ये घर कितना स्ट्रांग है ना, पानी चूरा है कि नहीं, या फिर अच्छा से बना हुआ है, गर्मी बारिश में ठंडा लगता है, इसी तरह हर भाव का भी अपना स्ट्रेंथ होता है। तो वो भी हम यहीं से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ पे प्लैनेट लिखा हुआ है वहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए आता है कि ये भाव बल, भाव बल पे क्लिक करेंगे ये देखिए हर घर का कितना स्ट्रेंथ है वो आपको पता चल जाएगा। इसको नीचे कर सकते हैं, एक से बारह घर तक है। पहला जो घर है 540 इसका स्ट्रेंथ है। कोई कोई घर बहुत कमजोर भी हो सकते हैं, छठवा घर है 381 है, तो ये कमजोर घर है तो इसमें टूट फाट हो सकता है, मतलब जल्दी खराब हो सकता है। और जो स्ट्रांग घर होगा वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। जैसे मान लीजिए ये छठा घर होता है, ये बारहवा घर होता है, जो छठा घर होता है वो डेली वर्क का होता है, मैं बता दूँ हर डेली रूटीन वर्क जो होता है उसका। और ये जो होता है बारहवा घर होता है वो इंडिपेंडेंट घर होता है, मोक्ष का घर होता है, ज़्यादा इंडिपेंडेंस जहाँ पे मोक्ष के बाद वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं इंडिपेंडेंट। तो किसी का देखना है कि वो बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा, होता है ना बहुत लोग नौकरी में,
तो जिसका छठवा अगर ज्यादा स्ट्रांग होगा वो क्या करेगा, नौकरी करेगा, वो किसी के अंडर में रह के बहुत परफॉर्मेंस कर सकता है। और बिजनेस में क्या चाहिए होता है, इंडिपेंडेंट माइंड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होता है। अगर किसी का 12वां घर जाना है तो उसको आप बोल सकते हैं कि आप बिजनेस करो, उसमें आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इसी तरह ये हर घर का बल होता है, आप घर का बल से उसके जीवन के बहुत कुछ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये हुआ, इसके बगल में ये दशा आता है, आप बेसिक था स्ट्रेंथ था और दशा। तो एक विमसोत्तरी दशा जो आपको कैलकुलेट करके आता है, तो विमसोत्तरी दशा, तो दशा से हम लोग कोई भी चीज़ कब होगा वो हम पता कर सकते हैं। दशा तो ऐसे बहुत तरह की दशा होती है, विमसोत्तरी दशा होती है, कालचक्र दशा होती है, योगिनी दशा होती है, ऐसे कर करके बहुत तरीका होता है दशा निकालने का। जनरली इसमें विमसोत्तरी दशा है, इसका ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, और भी अलग अलग दशा से अलग अलग चीज़ निकालते हैं। तो दशा कैसे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मून है, तो मून का जब दशा चलते रहेगा तो इस घर से रिलेटेड कुछ चीजें होगा, समझे। राहु का दशा चलेगा तो इस घर से रिलेटेड कोई चीज होगा। और इसके अंदर दशा के अंदर देखिए ये इसको बोलते हैं महादशा। अब मान लीजिए अभी 2020-21 चल रहा है, तो 2017 से 35 के बीच में 2021 आएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक आता है अंतरदशा, अंतरदशा इन महादशा। तो अभी राहु का महादशा चल रहा है, उसमें किसका किसका अंतरदशा चल रहा है, महादशा चल रहा है मतलब कि उसका मेन पीरियड उसका चल रहा है, उस ग्रह का चल रहा है जिसका महादशा चल रहा है, उसके अंदर ये सब ग्रह का भी अपना इफेक्ट डालेंगे उसके अनुसार। जैसे मान लीजिए ये ग्रह राहु का मान लीजिए महादशा चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जब मून का महादशा चलेगा तो मून क्या चीज का कारक होता है, मन का कारक होता है। तो और ये क्या चीज का होता है, धर्म का कारक होता है। तो हो सकता है आप जो धर्म करेंगे उससे आपको बहुत खुशी मिले, या अगर मून उस समय खराब अवस्था में होता तो हो सके आप जो धर्म का कार्य करेंगे करने के बाद आपको संतुष्टि ना मिले। तो ऐसे तो आप टाइमिंग इवेंट्स कर सकते हो। मान लीजिए ये जर्नी का दशा होता है, ठीक है। उस समय आपको पड़ गया मान लीजिए जुपिटर का दशा। तो अगर सन के दशा के अंदर जुपिटर का दशा पड़ा है मान लीजिए, तो आप जर्नी करते समय ये क्या चीज का होता है, रोग ऋण शत्रु ऐसा चीज का होता है। तो हो सकता है जर्नी करते समय आपको कुछ शत्रु का सामना करना पड़े, कोई आपको घेर ले ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जो कंबाइनेशन में देते हैं। तो इसलिए आप इसके अंदर जाके एग्जैक्ट इस समय क्या होगा वहां तक की चीजें आप निकाल सकते हो। ये देखिए राहु का महादशा था, उसके अंदर अंतरदशा चल रहा है। अभी 2021 यहाँ पे आएगा, 2020 और 22 के बीच में जो जुपिटर का अंतरदशा, यहाँ पे राहु महादशा, जुपिटर अंतरदशा। उसके बाद देखिए 2021 का 7वां महीना बीत चुका है, अभी ये वाला चल रहा है। केतु का प्रत्यंतर दशा चल रहा है, प्रत्यंतर दशा के अंदर सूक्ष्म अंतर दशा। ऐसे कर करके आप अंदर तक जा सकते हैं और अभी के टाइम तक जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उसके जीवन में अभी क्या क्या चीज से रिलेटेड चल रहा। ऐसे मान लीजिए केतु जो होता है प्लानेट, एक आदमी था उसने पूछा था कि मेरे सर से कि मेरा ऑपरेशन कल होने वाला है कि नहीं। डॉक्टर ने बोला कि कल मेरा 4 बजे ऑपरेशन होगा, बहुत अर्जेंट है। तो उन्होंने बोला कि कल आपका ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है, ये ऑपरेशन होने के लिए 2 ग्रह का साथ होना बहुत जरूरी है, मार्स का और केतु का। क्योंकि मार्स जो होता है वो ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, मंगल लाल ग्रह होता है ब्लड, और जो केतु होता है वो कटिंग करता है, कट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी ऑपरेशन होता है इसमें ब्लड और कटिंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो उसका उस समय केतु का दशा चल ही नहीं रहा था, तो वो हो ही नहीं सकता उस समय। जब ये दोनों ग्रह का महादशा अंतरदशा से चलेगा तभी ऑपरेशन हो सकता है। तो उसको विश्वास नहीं है, उसके अगले दिन उसको इतना बुखार लग गया और डॉक्टर बोला कि इतने बुखार में आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, 1 महीना बाद ही हो सकता है। और एग्जैक्टली 1 महीना बाद जब उसका केतु का जब दशा आया तब उसका ऑपरेशन हुआ। तो इस तरह से आप इवेंट को टाइमिंग कर सकते हो उसके लाइफ में। आप फिर से कोई बच्चा हुआ कि नहीं, तो बहुत कोई हॉस्पिटल में जाते हैं सीजरिंग होता है बच्चा होता है, तो अगर देखिए उसमें केतु का एस्पेक्ट आ रहा है तभी होगा, नहीं तो उस समय नहीं होगा। ऐसे करके चीजें तो आप दशा सिस्टम से निकाल सकते हैं। तो इतना अभी काफी है अभी एनालाइज करने के लिए, आगे धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नीचे जो है ये सब आपका डिटेल होता है। यहाँ पे देखिए डेट, आप कितने तारीख को जन्मे, टाइम टाइम जोन प्लेस
ये रांची है, तो रांची का कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ था लॉन्गिट्यूड ईयर फ्लावर ईयर आषाढ़ा, तिथि कौन सा चल रहा है, कौन सा वीकडेज था, ऐसे आपके सारा डिटेल नीचे दिया रहता है सर करके, होरा लॉट कौन सा, योग कौन सा था, करण कौन सा था, जन्म तिथि, सनराइज कब हुआ था उस समय। वैसे अब कोई नया बर्थ चार्ट आपको आता है तो उसको इंटर कैसे करते हैं, आप देखिए, आप यहाँ पे जाएंगे, एडिट एडिट ऑप्शन देख रहे हैं ऊपर में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एडिट पे क्लिक करने के लिए आता है बर्थ डेटा, बर्थ डेटा आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शन आता है, तो ये जो है बर्थ डेट, उसका जो बर्थ डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इसका अगस्त 5 अगस्त 2021 जॉर्जियन कैलेंडर ही रखते हैं, क्योंकि जो बर्थ ऑफ डेट जनरली आजकल लोग देते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार देते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। फिर बर्थ टाइम कितने बज के कितने मिनट कितने सेकेंड पर हुआ, एएम पीएम वो आप चूज कर सकते हैं। हाँ सेकेंड भी अगर पता है तो अच्छा है, वो भी थोड़ा मैटर करता है, लेकिन एटलीस्ट आवर्स एंड मिनट तो उसको पता होना चाहिए, आवर्स मिनट, क्योंकि बहुत सारे चार्ट होते हैं ना, जैसे मैंने बताया राशि चार्ट हर 2 घंटे में बदल जाता है, इसी तरह जो जितने डिविजनल चार्ट होते हैं और जो चार्ट इतना जो डीसीटी चार्ट होता है वो हर 2 सेकंड में बदल जाता है, 2 सेकंड के डिफरेंस में तो वो बदल जाता है, तो इसीलिए टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो एक एक बर्थ डेट करेक्शन मेथड होता है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपना बर्थ टाइमिंग करेक्शन करा सकते हैं, जैसे मैंने बताया वो दशा सिस्टम बताया, आपके लाइफ में वो इवेंट कब हुआ उसको बैक ट्रेस कर करके आप एग्जैक्ट टाइमिंग निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैरिज एक बड़ा इवेंट होता है तो आपके चार्ट के अनुसार ही मैरिज होता है उस समय, तो आपको मैरिज का टाइमिंग मालूम है डेट मालूम है तो उसके अनुसार उसको बैक ट्रेस करिए तो वो करेक्ट कर सकते हैं ना, अगर जन्म 10:36 पर हुआ तो इस समय मैरिज नहीं हो सकता है, हाँ अगर जन्म 10:45 पर हुआ तब तब वो टाइम आ रहा है मैरिज का, तो ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का, तो आप उसको अपना टाइम भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जेंडर है, जो भी मेल फीमेल है वहाँ पर डाल सकते हैं, फिर सिटी नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, जो जगह में वो जन्मा है या डिस्ट्रिक्ट नेम सरामगढ़ में रांची में ऐसे करके, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है सर्च इन USA एंड ऑल अदर कंट्रीज एक्सेप्ट USA, अगर आप अमेरिका में हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर अमेरिका के बाहर है यानी कि और कोई भी कंट्री में है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जगह ढूंढ कर आपको ऑटोमेटिकली उस जगह का कोऑर्डिनेट्स ले लेता है, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा हो सकता है सॉफ्टवेयर का भी लिमिटेशन है वो कितना जगह डालेंगे, तो आप एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स गूगल पे सर्च करके मैनुअली भी डाल सकते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके अनुसार वो व्हाट्सएप बन के आ जाता है यहाँ पे, फिर आप इसको देख के अलग अलग चीज़ें करके एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक क्या है तो करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। घर का वो कौन सा प्लैनेट है, हरे घर में कौन सा प्लैनेट है, आपने कल को बताया कि क्या क्या वो डिनोट करता है ऑक्यूपेशन फैमिली प्लैनेट कौन सा। ओके, एक तो हर घर का अपना अपना स्वामी होता है, तो हर घर का अपना अपना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसको डिनोट करते हैं, उसके अलावा हर ग्रह भी कुछ कुछ चीज़ का कारक होता है, जैसे सन जो है सूर्य जो है वो आत्मकारक मानते हैं, वो आपके आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, आपको सेल्फ सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, मून जो होता है वो आपके मदर मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपको इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो मून का नेचुरल हाउस कौन सा हो गया, चौथा हाउस, क्योंकि चौथे हाउस से हम लोग क्या देखते हैं, मदर देखते हैं, इमोशंस देखते हैं, और देखिए चौथी राशि कौन सी है, कैंसर है ना, चौथी राशि कैंसर है तो मून का साइन है कि नहीं, चंद्रमा का घर है कैंसर एक्चुअली, तो इसी तरह सन हो गया मून, मरकरी जो होता है उस वो बच्चे का कारक होता है, छोटे छोटे बच्चे का कारक होता है, वो बुद्धि का कारक होता है, आप जो सोचते हैं समझते हैं कितना टेक्निकल है आप कोई चीज़ करने में, आपके जो स्किल्स है वो सब चीज़ के कारक मरकरी होता है, वेनस जो होता है आपके रिलेशनशिप का कारक होता है, आपके आपके वाइफ या हस्बैंड आपका रिलेशनशिप किससे होता है, जनरली वाइफ हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है कोई भी रिलेशनशिप हो
बच्चे का जो पिता से जो रिलेशनशिप हो, माता से रिलेशनशिप, ओवरऑल जो रिलेशनशिप होता है वो वेनस से देखा जाता है। फिर मार्स, मार्स जो होता है आपका करेज, आपका स्ट्रेंथ, कोई भी चीज़ करने का जो शक्ति होता है, या फिर आपके सिबलिंग्स जो आपके बंधु भाई भ्राता लोग जो होते हैं, सिबलिंग्स जो होते हैं उसका कारक होता है। इसलिए देखो मार्स क्या रिप्रेजेंट, ये थर्ड हाउस क्या होता है, हमारा सोल्जर होता है, कंधा होते हैं ना, कंधे पे जिम्मेदारी होती है। आपके जब कोई भी चीज़ कुछ होता है तो कौन, आपके भाई लोग ही मदद करने आते हैं जो घर में जो रहते हैं, तो वो हाथ बटाने आते हैं, तो इसीलिए मार्स जो होता है उन लोगों का कारक होता है। सैटर्न, सैटर्न जो होता है आपका ये दस, उसका कौन सा घर होता है, दसवां, दसवां घर क्या होता है, हमारे प्रोफेशन का, तो वो प्रोफेशन का कारक होता है सैटर्न। जुपिटर जो होता है वो धर्म का कारक होता है, आपका स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है, जुपिटर गुरु है, देवताओं का गुरु है। तो ऐसे करके हर ग्रह अपना कुछ ना कुछ कोई कोई चीज़ का कारक होते हैं, और हर राशियाँ भी, राशियों का भी कुछ कुछ नेचर होता है। तो हम एक एक करके आगे हर राशि के बारे में पढ़ेंगे, हर ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको उसमें और भी अच्छा से डिटेल में क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा पूरी राशियों का और ग्रह का पूरा एक जो कैरेक्टर है ना वो अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अगला टॉपिक हम वैसे ही चालू करने वाले, हर राशि के बारे में डिस्कस करने वाले। और कुछ क्वेश्चन, ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? ओके, ये सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ पुरा सॉफ्टवेयर, ये फ्री में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन गाइड भी उसमें रहता है, और मैंने अलग से भी एक डॉक्यूमेंट बना के भेजा है कैसे इंस्टॉल करना होता है। नहीं है तो आप गेट के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, वो आपको भेज देंगे। और ये जनरली विंडोज में चलता है, विंडोज 10 ऐसे, अगर एप्पल में है तो उसका उसमें ये नहीं चलेगा। तो एप्पल का भी एक ये है कि विंडोज सिमुलेटर बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है, उस विंडोज सिमुलेटर को इंस्टॉल करिए, उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके चला सकते हैं। नहीं तो जनरली ये जो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा वो विंडोज में चलने वाला मिलेगा। प्रेडिक्शन चंद्र राशि से देखते हैं या लग्न राशि से? प्रेडिक्शन चंद्र राशि से देखते हैं या लग्न राशि से? ओके, जनरली हम लोग अलग 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 अलग, जैसे हमने ये हुआ राशि चार्ट हुआ, ऐसे अलग अलग चार्ट बनता है, चंद्र चार्ट बनता है, सूर्य चार्ट बनता है, वेनस चार्ट बनता है। तो जब चंद्र से जो चार्ट बनाते हैं, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण माइंड होता है, क्योंकि माइंड इमोशंस का कारक होता है, मन का कारक होता है, हम अच्छा फील करते हैं, खराब, सब कुछ हमारे फीलिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए चंद्रमा जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। तो चंद्रमा के, चंद्रमा जिस राशि में है उसको लग्न बना देते हैं तो वो चंद्र लग्न हो जाते हैं हमारे। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे है दसवें घर में, तो इसको लग्न बनाए, चार्ट को घुमा देंगे, ये तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, चंद्रमा यहाँ पे, तो वो जो चार्ट बनेगा वो क्या दिखाएगा, आपका जीवन का हर एस्पेक्ट आपके इमोशन से रिलेटेड दिखाएगा। जैसे मान लीजिए आप चंद्र राशि बनाएंगे तो जो दसवां घर आएगा वो दिखाएगा कि आप अपने प्रोफेशन में कैसा फील करते हैं। आप जब काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती मेरे से काम करे, आपको काम करना अच्छा लगता है कि नहीं, या ऐसा बोझ लगता है, या फिर वो काम करके आपको बहुत संतुष्टि मिलती है, या फिर आपके घर में जो चंद्रमा से चौथा घर होगा वो आपको बताएगा कि आप घर में कैसा फील करते हैं, घर में सफोकेटेड फील करते हैं, घर में रिलैक्स फील करते हैं। आपके सारे जो फीलिंग्स होंगे, जो भी इमोशंस होंगे, उस चंद्रमा कुंडली से उस घर के इमोशनल चीज़ें को बताएगा। उसी तरह अगर वेनस को, शुक्र है यहाँ पे, इसको अगर लग्न बनाएंगे, इसको अगर लग्न बना के अगर जो चार्ट बनेगा तो आपके रिलेशनशिप बताएगा, आपके प्रोफेशनल एरिया में, मतलब दसवां घर में कैसा रिलेशन रहेगा आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, उस रिलेशन को रहेगा। सातवां घर जो वेनस होगा वो ये बताएगा कि आपके स्पाउस के साथ आपका कैसा रिलेशन होगा। पांचवा घर बताएगा आपके बच्चे के साथ आपका कैसा रिलेशन है। तो ऐसे हर जो ये है उससे हम घुमा के बना सकते हैं और उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। अजनिति जो राशि चार्ट होता है, लग्न चार्ट, वो आपको ओवरऑल व्यू देता है हर चीज़ का। राहु किसका कारक है? राहु और केतु जो है ये बहुत ही स्पेशल प्लैनेट है, जब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बताएंगे। राहु केतु का जो वर्किंग स्टाइल है वो एकदम अलग है, ये दोनों एकदम एक्सिस पे रहते हैं, इसको मोस्ट कार्मिक प्लैनेट बोला जाता है। ये आपके कर्म का फल देने के लिए आते हैं, जिस ये हमेशा 180 डिग्री अपोजिट रहते हैं राहु और केतु। इसमें भी देखिएगा केतु यहाँ है, इसका 180 डिग्री यहाँ पे राहु रहते हैं,
तो ये एक्सिस में घूमते हैं हमेशा, तो ये जहाँ पे रहते हैं वो एक्सिस आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके चार्ट में, आपके जीवन में वो एक्सिस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बताएंगे ये बहुत बहुत सारे चीज़ों का हमारे जीवन में इफेक्ट देते हैं। यहाँ कह रहे हैं हाउ कैन वी सी राहु एंड केतु इन स्काई। स्काई में आपको देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, एक भी ग्रह दिखाई नहीं देगा। राहु केतु तो फिर आपको सिर्फ सूर्य और चंद्रमा दिखाई देंगे इसमें से, कभी कभी मंगल और वेनस शुक्र दिखाई देते हैं तो आपको दिखाएंगे। अगर आप सब ग्रह देखना चाहते हो दिखाई देंगे आपको। एक स्टार ट्रैकर बोल के ऐप आता है, वो स्टार ट्रैकर ऐप आप इंस्टॉल करेंगे मोबाइल में, वो आप दिन में रात में जैसे होता है ना पूर्वी क्षेत्र पे अभी कौन सा राशि उदित हो रहा है, आप उसमें मोबाइल को जहाँ जहाँ लेते जाएंगे वहाँ उस समय आकाश में वो ग्रह कहाँ पे आपको पूरा दिखाई देगा, कौन से राशि में कौन सा ग्रह है वो सब दिखाई देता है पूरा। जैसे हमारे नीचे तो अभी नहीं देख सकते लेकिन उस ट्रैकर के थ्रू नीचे भी देख सकते हैं कि हमारे एग्जैक्ट 180 डिग्री में कौन सा ग्रह भी घूम रहा है। वो पूरा ऐसे घूमते रहता है, पूर्व से निकलता है और पश्चिम में ढलता है। फिर जैसे रात को आप देखेंगे तो सूर्य नीचे दिखाएगा, दिन में जहाँ पे सूर्य होगा वहाँ वहीं पर वो सूर्य एग्जैक्टली आपको दिखाएगा। तो स्टार ट्रैकर बोल के ऐप है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं आप इंस्टॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं और आप पहचान सकते हैं। हाँ वो जो है वो वेनस ग्रह है, जो वेनस ज़्यादा चमक रहा है आप उसे पहचान सकते हैं। कह रहे हैं कि एडिट में कंट्री एंड स्टेट कैसे सेलेक्ट किया जाता है प्लीज। एडिट में ओके, ये एडिट यहाँ पे जाएंगे बर्थ चार्ट। तो जनरली कंट्री को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक अगर आप यूएसए में हैं या यूएसए में नहीं है, तो यूएसए में है तो यहाँ पे सर्च करते हैं, यूएसए में आप नहीं है तो यहाँ पे सर्च करते हैं। अगर वो जो जगह है आपका तो यहाँ पे वो जगह का नाम डालते हैं, सिटी का नाम, जिस जगह में भी आप रह रहे हैं जिस गाँव में रह रहे हैं वो डालिए। और अगर वो जो शहर है वो यूएसए में पड़ा है तो यहाँ पे क्लिक करिए ऊपर वाले पे, अगर वो यूएसए में नहीं है तो नीचे वाले पे क्लिक करिए। जब क्लिक करेंगे तो वो जगह यहाँ पे ढूंढ के कुछ खुद ही खुद दिखा देगा। इसमें मेरे में नेट कनेक्ट नहीं है इसीलिए मैं डाल नहीं रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डाल दीजिए, जैसे रामगढ़ डाल दीजिए, और रामगढ़ कहाँ पे यूएसए में नहीं, हमको इंडिया में है, तो इंडिया में के लिए नीचे वाला यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे सर्च रिजल्ट में आ जाएंगे, तो एक रामगढ़ बांग्लादेश में भी है और इंडिया में भी देखिए इतने सारे रामगढ़ हैं। ये रामगढ़ बहुत कॉमन नेम है तो बहुत जगह हो सकते हैं। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा एग्जैक्ट है तो गूगल पे सर्च करिए रामगढ़, मान लीजिए रांची के बगल में जो रामगढ़ है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो वो जो कोऑर्डिनेट्स है उसके अनुसार आप इसमें चूज कर सकते हैं। जो भी चूज करेंगे उसके अनुसार यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके आ जाएंगे। फिर ओके पे क्लिक करिए, तो देखिए हमने जो रामगढ़ डाला तो थोड़ा सा चार्ट चेंज हो गया, पहले रांची डाला था, रांची और रामगढ़ में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेकिन तो भी थोड़ा सा भी जगह चेंज होने से चार्ट चेंज हो जाता है, वैसे कर सकते हैं। फिर टाइम जोन भी आप अगर इंडिया में है तो 5:30 ईस्ट ऑफ GMT टाइम जोन है इंडिया का, दूसरे कंट्री का आप उस कंट्री के अनुसार टाइम जोन सेट कर सकते हैं। गल्फ कंट्री में है तो क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, गल्फ वो भी वही उसके उस अभी हर कंट्री का तो याद रखना मुश्किल है। अभी आप जिस कंट्री में हैं वहाँ पे देखिए कौन सा टाइम जोन चलता है उसके अनुसार आप सेलेक्ट करें। ठीक है आगे बढ़े फिर। हाँ पहले सॉफ्टवेयर नहीं था तो ये सारे चीज खुद से लोग कैलकुलेट करके निकालते थे। पंचांग होता था, पंचांग एक कैलेंडर टाइप का होता है, उसमें हर दिन का वो टाइमिंग लिखा रहता था कौन सा ग्रह किस राशि में किस दिन प्रवेश कर रही है किस दिन निकल रही है और कितने डिग्री पे किस किस दिन कौन सा ग्रह किस किस डिग्री पे है, वो ओवरऑल पूरे साल का कैलकुलेट करके लिखा रहता था, हर महीने डे वाइज लिखा रहता था उसमें। हाँ उसका सबका घूमने का तरीका फिक्स है, स्पीड फिक्स है, तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर भी एक्चुअली कैलकुलेट करके निकाल रहा है, इसमें ऑटोमेटिक कोड डाला हुआ है कैलकुलेट करने का। पहले लोग पंचांग लेके, इसलिए देखेंगे पंडित लोग सब पंचांग लेके चलते थे कोई भी चीज़। हाँ ये एक पंचांग है, जैसे यहाँ पे वीरभद्र फोन एक पंचांग लगे देखिए बहुत बड़ा होता है इसमें पंचांग, तो इसमें आप देखेंगे। हाँ तो पूरा इसमें लिखा रहता है, देखिए हर हर दिन का हस्त चित्र नक्षत्र में
जैसे यहाँ पे चंद्रमा मंगल बुध गुरु वो किस टाइम में कहाँ पे ये सब लिखा रहता है। तो जब आप जाते थे एस्ट्रोलॉजर के पास तो कॉपी कलम लेके इसको देख के खुद से आपका चार्ट बना देते हैं, खुद से सारा कैलकुलेशन। तो पहले क्या दिन बर्थ चार्ट बनाने के लिए एक एक महीना भी लगता था, आप आज जाके दिए तो बोलते थे एक महीना बाद आइए, फिर वो बना के रेडी रखते थे, ऐसा होता था। आजकल बहुत जल्दी बन जाता है। हाँ, दोनों कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए या मैनुअली कैलकुलेट करिए, एक ही रिजल्ट आता है। इसमें ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। आपका सिर्फ काम रहता है एनालिसिस करने का, उसमें कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है, उसके सब कुछ निकालने के बाद इसमें तुरंत दशा देखना है तो तुरंत एक क्लिक से यहाँ से यहाँ चला जाइए, स्ट्रेंथ देखना है यहाँ से चला जाइए, सब आपके साथ होता है। उसमें क्या है, सब कैलकुलेट करके के पहले पूरा एक पोथी बनाना पड़ता था, एक नोटबुक रखना पड़ता था एक आदमी के लिए, उसमें सब कुछ अलग अलग पेज में लिखा रहता था, गलती से नोटबुक भुला गया तो फिर से पूरा बनाना पड़ता था। वैसा और कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, 5 मिनट बाकी है। अगला जो टॉपिक है, देखिए काल चक्र में जो सबसे पहले राशि होती है वो एरीज होती है, और उसका स्वामी, उसका घर का मालिक कौन है, मार्स है, मंगल है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। एरीज राशि जहाँ पे भी रहती है ना, आपके जीवन का फोकस वहाँ पे रहता है। आपके कुंडली में जहाँ पे भी एरीज राशि होगी, आपका जीवन का फोकस, आप बहुत उस हाउस में बहुत ही फोकस रहोगे, क्योंकि एरीज जो है उसका कौन है, स्वामी कौन है, मार्स है। मार्स मार्स को रिजल्ट से बहुत मतलब होता है, उसको कुछ मतलब नहीं है। आपको शरीर में बॉडी पेन कर रहा है या काम करने का मन नहीं, वो जहाँ पे भी रहेगा वो रिजल्ट ला के देगा आपको, बस उसको इतने मतलब है। किसी को दुख पहुंचे सब कुछ, उसको कुछ मतलब नहीं, वो जहाँ पे रहता है सीधे सोचता है। हाँ, मेष राशि, हिंदी में मेष राशि बोलते हैं, उसका स्वामी मंगल। तो एरीज राशि भी उसी तरह काम करती है, वो जहाँ पे वो आपका फोकस वहाँ पे ला के रहेगा। जैसे मान लीजिए कर्क राशि है, उसका जिसका कर्क लग्न है, उसके जीवन का फोकस उसके प्रोफेशन पे रहेगा। कर्क राशि यानी कि मेष राशि कहाँ पे है, दसवें घर में है ना। दसवां घर क्या चीज का होता है, प्रोफेशन का होता है। दो आदमी देखो वो बहुत प्रोफेशन को लेकर बहुत ही फोकस रहेगा अपने लाइफ में। जिसका जिसका लियो राशि है, लियो लग्न है, सिंह लग्न है, वो अपने धर्म के कार्य में बहुत फोकस रहेगा, कुछ नया करेगा धर्म के क्षेत्र में, ऐसा है ना। जो स्कॉर्पियो राशि है, स्कॉर्पियो राशि, वो अपने डेली वर्क को लेके बहुत ही फोकस रहेंगे, डेली जो काम करते हैं। जैसे करना होता है वो स्कॉर्पियो राशि का, आप उनको देखो कि हर दिन जो काम उनको दिया जाता है बहुत फोकस वे में करते हैं, उनका पूरा फोकस रहता है। कोई अगर उनको सेवा दिया जाए तो बहुत फोकस वे में करते हैं। तो जहाँ पे भी एरीज साइन रहेगा आपके जीवन का फोकस वहाँ पे रहेगा। और मार्स बीइंग द सबसे, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ से उसको मान लीजिए जाना है रांची पहुँचना है, तो कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना रास्ते में उसको रांची पहुँचना है, बस उसको इतना ही मालूम होता है। उसके लिए उसको बस पकड़ना पड़े, ट्रेन पकड़ना पड़े, पैसा चोरी करनी पड़े, कुछ भी करने पड़े, उसको मतलब है कि मेरे को ये रिजल्ट ला के देना है, मेरे को पहुँचना है बस। हाँ, चाहे कुछ भी हो, वन ऑफ द, इसलिए जो स्टूडेंट लोग होते हैं, जैसे हनुमान जी जो मार्शियन, तो वो देखो हनुमान जी को जो भी काम दिया जाता था वो करके आते थे, है कि नहीं। इसलिए बच्चे लोग को बोला था, छोटे बच्चे लोग को हनुमान चालीसा पढ़ने चाहिए। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते तो आपके फोकस बढ़ता है, फोकस बढ़ता है तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, है ना। इसलिए बहुत सारी जगह में देखो जो बच्चे लोग होते हैं वो मंगलवार को या शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बुलाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका मार्शियन एनर्जी बढ़ता है, जिसके आपके लाइफ में फोकस आती है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड होते हो। तो ये इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि एरीज साइन ऐसा ही वो बहुत अप डाउन है। एरीज साइन का एक जो नेचर है वो सडन बूस्ट मारता है, वो सडन आता है, सडन देता है, कॉन्स्टेंट कोई भी चीज़ वहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं होता। जहाँ पे भी एरीज होता है, एरीज मतलब वो एक सीधे से नहीं चल सकता, वो 10 के हमेशा
कभी अचानक 20 के स्पीड में जाएगा, फिर अचानक 5 के स्पीड में हो जाएगा। सडन जो बूस्ट मारते हैं ना, जो ग्लूकोन डी पीते हैं, 4 सेकंड में बूस्ट आ जाता है, एनर्जी बूस्ट, वैसा साइन है एरिस। तो एरिस का नेचर ऐसा ही है। हाँ, इस नाम के हिसाब से होता है क्या चीज समझा नहीं, जैसे कि ये डेट से 1 दिसंबर से लेके ये नवंबर तक सैजिटेरियस पड़ेगा, लेकिन वो करस्पोंडिंग उसका जो नाम है हिंदी में तो वो अलग रहता है। हाँ, हर राशि का नाम इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, लेकिन वो नाम के हिसाब से रहता है ना। जो हिंदी वाला है, जैसे किसी का नाम जैसे कि अ से है, उसका अलग राशि रहता है। इंग्लिश में जो बोलते हैं वो टाइम डेट के हिसाब से रहता है। हाँ नहीं, एक्चुअली एक ही होता है, कहीं कहीं पे आपको डिफरेंसेस मिलेंगे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन एक्चुअली एक ही है। वो कैसे कि नाम देने का तरीका अलग होता है, बहुत कोई राशि के अनुसार नाम रखते हैं, बहुत कोई नक्षत्र के अनुसार नाम रखते हैं, तो हर नक्षत्र का एक अपना साउंड होता है। जैसे हर नक्षत्र का विगुण नक्षत्र के बारे में जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे, तो वो साउंड को वो रिप्रेजेंट करते हैं। हर ग्रह भी एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मरकरी है वो ट ठ ड, ये सब साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब नक्षत्र के अनुसार नाम रखते हो, क्यों होता है ये जो साउंड जो है ना, बहुत ही साउंड से इफेक्ट कैरी होता है एक्चुअली। जैसे हम मंत्र जपते हैं ना, मंत्र के अंदर बोलते हैं ना स्पिरिचुअल एनर्जी छुपा होता है, तो ये साउंड जैसे ट ठ ड या फिर जो भी साउंड है, वो साउंड उस ग्रह से बहुत सिंक रहता है। तो जब क्या होता है, जब आप जिस पर्टिकुलर नक्षत्र में जन्मे हो या पर्टिकुलर साइन में जन्मे हो, उस साइन के अनुसार जब आप अपना नाम रखते हो, क्योंकि आपका नाम आप हमेशा कहीं पे भी लिखते हो, हमेशा कॉन्शियस में रहता है, कोई बुलाता है तो आप तुरंत उधर देखते हो, तो उस चीज़ का इफेक्ट आपके लाइफ पे बहुत पड़ता है। इसलिए लोग नक्षत्र के अनुसार या राशि के अनुसार अपना नाम रखते हैं। तो कहीं कहीं पे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चेंज होता है, क्योंकि उनका देखने का तरीका थोड़ा अलग है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा मैंने ज़्यादा रिजल्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बहुत कम चीज़ आपको बता पाते, हर चीज़ उतना डिटेल में नहीं बता। जैसे डिविजनल चार्ट्स मैंने बताया, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इसको नहीं मानते, तो वो इतना कुछ डिटेल में आपको नहीं बता सकते। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ, वो बता देंगे कि आज आपका अमेजन का पार्सल आएगा कि नहीं आएगा, इतना तक बता सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल में बताते हैं, बहुत ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा, बहुत ही माइन्यूट डिटेल तक चीज़ें रखते हैं, एक एक सेकेंड तक का चीज़ें वो कैलकुलेट करके बताते हैं, इतना डिटेल ओरिएंटेड है हमारे। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसी को फॉलो करता हूँ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जाएंगे तो वहाँ पर लोग 3 प्लूटो यूरेनस नेपच्यून ये ग्रह को भी मानते हैं उनके कैलकुलेशन में, हम लोग नहीं मानते क्योंकि हमारे किसी ऋषि मुनि ने इन सब ग्रह को कंसिडर नहीं किया था, वो लोग इसको भी मान के चलते हैं जब उनका नहीं रहता है। तो ऐसे कुछ कुछ डिफरेंसेस है, आयन अंशा का भी डिफरेंस है, तो ज़्यादा हम लोग ऐसे बोलते। तो ऐसे डिफरेंसेस कुछ जो भी है, नाम का जो डिफरेंसेस है लेटर में, जैसे हम लोग अ अ बोलते हैं तो वो लोग ऐसे कुछ नाम रखते हैं, हम ऐसे कुछ ये जो होता है अ साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस जैसे मान लीजिए आपने राशि के अनुसार से नाम नहीं रखा, मान लीजिए आपने कुछ अलग नाम रखा और वो जो ग्रह है आपके चार्ट में वो बहुत प्रॉब्लमेटिक ग्रह है, तो आपका उस ग्रह का एनर्जी आपके लाइफ में बहुत चलने लगेगा, लाइफ प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, समझ रहे। तो इसलिए लोग पहले अपने राशि के अनुसार ही नाम रखते थे। हर 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 चीज एनर्जी कैरी करती है अपने आप में। हाँ, तो एक्चुअली भगवान का नाम हमेशा शुभ होता है, भगवान का नाम एक अलग ही एनर्जी कैरी करता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है भगवान का नाम, इसलिए उसमें हाँ कहीं कहीं पर चेंज भी होता है। पहला वर्ड जनरली मैं भी देखा, जो भी लोग दीक्षा देते हैं खासकर इस कॉन में जो हमारे संप्रदाय, उसमें पहला वर्ड सेम ही रखने का कोशिश करते हैं, कहीं कहीं पर नहीं भी रखते, इसलिए रखते क्योंकि वो शायद आपके नाम के मैच करता हो, इसलिए ऐसा सोच के सेम रखते हैं, तो उस नाम का इफेक्ट है। और भगवान का नाम तो ऑल स्पीशियस है, मतलब कि वो अलग ही एनर्जी लेवल कैरी करता है कोई भी जैसे। जब पहले के ज़माने में देखेंगे लोग सबका नाम भगवान के नाम पे ही रहता था, राम सेवक या फिर श्याम घनश्याम, ऐसे कृष्ण, ऐसे सबका नाम ललिता राधा
ऐसे करके लोग नाम रखते थे क्योंकि ये सब भगवान है, भगवान के भक्त के नाम है। तो वो चीज़ जब बोलते हैं तो उनका कॉन्शियसनेस में जो वो चीज़ इफेक्ट डालते हैं हमारे, ऐसे करके। ठीक है, हरे कृष्णा, फिर कल मिलेंगे एरीज और मार्स के बारे में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।